हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर क्या होता है, तो इसको आप ध्यान से समझना। तो देखो, कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर में हम क्या पढ़ते हैं, जो मार्केट में रजिस्टर मिलते हैं, रजिस्टेंस किस में होता है, रजिस्टर में होता है। तो रजिस्टर एक डिवाइस होता है जिसके अंदर क्या होता है, रजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो वो रजिस्टर जो होता है मार्केट में जो मिलता है, जैसे कैपेसिटर पढ़ा था ना, कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है, ठीक है। वैसे ही रजिस्टर में रजिस्टेंस स्टोर होता है, ठीक है। तो वो हमें बताता है कि वो डिवाइस कुछ ऐसा होता है, वो सिलेंड्रिकल टाइप में होता है। आप देखोगे कि कुछ कलर्स होते हैं मार्केट में, जो रजिस्टर मिलते हैं उसमें क्या होते हैं, कुछ कलर्स होते हैं, उन पे क्या होते हैं, ऐसे स्ट्राइप्स बने होते हैं, ऐसे कई स्ट्राइप्स होते हैं। तो मेनली हम इसमें जो सिलेबस में है आपका, वो जिस पे 4 स्ट्राइप्स होते हैं वो वाला हम पढ़ रहे हैं, कि जिस रजिस्टर पे कितने हैं, 4 स्ट्राइप्स हैं, ठीक है। तो इस रजिस्टर पे 4 स्ट्राइप है, इस ए बी सी एंड डी, ठीक है, 4 स्ट्राइप्स हैं, ठीक है। रजिस्टर पे क्या होते हैं, स्ट्राइप्स होते हैं, वो क्या बताते हैं कि वो रजिस्टर कितने रजिस्टेंस का है, ठीक है। वो हमें क्या बताता है कि वो रजिस्टर कितने रेजिस्टेंस का, हमें कोई ऐसे नहीं बता सकता कि उस पर कोई डिजिट नहीं लिखी होती रजिस्टर पे कि ये इतने ओम का है, ये मान लीजिए 20 ओम का रजिस्टर है, ऐसे नहीं पता चलता हमें। उसमें हमें कैसे पता चलता है, हम उसकी कलर कोडिंग देख करके बताते हैं कि वो उसकी रजिस्टेंस कितनी है, उस रजिस्टर की कलर कोडिंग देख करके बताते हैं। तो कलर कोडिंग कैसे देखते हैं हम, इन पे क्या होता है, कलर होते हैं इन स्ट्राइप्स पे कलर। तो मान के चलो ये आपका फर्स्ट वाला स्ट्राइप ए है और बी है, ये हमें क्या बताता है, इन चारों पे कलर होते हैं, लेकिन ये जो फर्स्ट और सेकंड ये दो हैं, ये दो क्या बताते हैं हमें, फर्स्ट और सेकंड वाले हमें उसके नंबर बताते हैं। जैसे मान के चलो कोई रजिस्टर है, उसका 20 × 10³ ओम रजिस्टेंस है, ठीक है। तो हमें जो ए और बी, ये जो फर्स्ट वाला वैल्यू होगा, सिग्निफिकेंट वैल्यू ए, ये हमें फर्स्ट वैल्यू बताती है, और ये बी जो है ये सेकंड वैल्यू बताती है। फर्स्ट स्ट्राइप जो हमें फर्स्ट वैल्यू बताती है, सेकंड स्ट्राइप हमें सेकंड वैल्यू बताती है, ठीक है। इसके बाद समझ में आ गया ना, ए और बी मतलब फर्स्ट और सेकंड स्ट्राइप जो होते हैं वो हमें नंबर बताते हैं, ये जो दो नंबर है। और जो सी है आपका, सी वो हमें बताता है मल्टीप्लायर कि 10 की पावर कितनी है उसमें रजिस्टर में, ठीक है। तो यहाँ पर 10³, तो यहाँ पर हमें क्या बताता है, मल्टीप्लायर। तो सी हमें क्या बताता है स्टूडेंट्स, सी मतलब थर्ड स्ट्राइप जो होता है क्या बताता है, मल्टीप्लायर के बारे में बताता है। और जो डी है वो टॉलरेंस के बारे में बताता है हमें, ठीक है। डी क्या बताता है, टॉलरेंस की, यहाँ लिख देता हूँ मैं ये। और सी किसके बारे में बताता है, मल्टीप्लायर के बारे में, अभी मैं समझाऊंगा अच्छे से क्या होते हैं ये। और ए और बी ये दोनों किसके बारे में बताते हैं, नंबर के बारे में बताते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लिख लो, समझ में आएगा, ठीक है। इन चारों पे कोई ना कोई कलर होता है, तब जाकर के हम बता देते हैं कि उसका रेजिस्टेंस कितना है और कितना वो एक्यूरेट है। और ये जो हमारा टॉलरेंस है, ये परसेंटेज में दिया होता है, टॉलरेंस परसेंटेज में दिया है। इसका मतलब क्या है, अगर किसी का 5% टॉलरेंस है, इसका मतलब उसके अंदर, रजिस्टर के अंदर 5% की कुछ एरर है। मतलब कोई भी चीज़ पूरा परफेक्ट 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता ना, कुछ ना कुछ उसके अंदर वेरी होगा, कुछ ना कुछ चेंज हो सकता है, कुछ ना कुछ एरर हो सकता है। तो किसी में 5% का एरर होता है, किसी में 10% का, किसी में 20% का एरर हो सकता है। मतलब परफेक्ट एक्यूरेसी नहीं होती किसी की भी, ठीक है। तो अभी हम समझते हैं क्वेश्चन से। तो एक क्वेश्चन मैं लेता हूं यहां पर। तो क्वेश्चन ये है, लेट द फर्स्ट स्ट्राइप ऑफ रजिस्टर इज ऑरेंज एंड सेकेंड स्ट्राइप जो है वो आपकी कैसी होगी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड ये फोर्थ, ठीक है, ये फोर्थ वाली, ठीक है। तो फर्स्ट वाली कैसी आपकी, ऑरेंज है। सेकेंड वाली कैसी है, सेकेंड स्ट्राइप इज रेड, ठीक है, STRIP, सेकेंड स्ट्राइप इज रेड। एंड थर्ड स्ट्राइप इज कौन सा है, हम मान के चलते हैं कौन सा, ब्लू। एंड फोर्थ स्ट्राइप जो होगी ना स्टूडेंट्स आपकी, फोर्थ स्ट्राइप हमेशा ही इन तीनों में से होगी, क्योंकि फोर्थ स्ट्राइप हमें क्या बताती है, टॉलरेंस के बारे में बताती है। तो टॉलरेंस में सिर्फ ये 3 कलर होते हैं, ठीक है। तो फोर्थ स्ट्राइप है हमारा गोल्ड, ठीक है, या फिर हम सिल्वर ले लेते हैं,
ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड द रेजिस्टेंस, कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, देखो तो स्टूडेंट्स यहाँ पर फर्स्ट स्ट्राइप हमें दे रखा है रजिस्टर का कितना है, ऑरेंज है, मतलब ये वाला कितना है ऑरेंज है, और सेकंड वाला कितना है रेड है। तो फर्स्ट और सेकंड हम क्या बताते हैं, नंबर के बारे में बताते हैं। तो ऑरेंज देखो, सबसे पहले हमें इसके बारे में देख रहे हैं, पहले कलर देखो ऑरेंज, ऑरेंज के सामने कौन सा नंबर, थ्री है, तो पहले लिख लेंगे हम थ्री। फिर कौन सा सेकंड स्ट्राइप कौन सा, रेड, तो रेड देखो, रेड के सामने कौन सा नंबर है, टू, फिर लिख लिया थ्री और टू हो गया, ठीक है 32 बन गया। फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या पता चलता है, नंबर पता चलता है। थर्ड स्ट्राइप से हमें क्या पता चलेगा, थर्ड स्ट्राइप हमें क्या बताता है, मल्टीप्लायर के बारे में बताता है। ठीक है, तो मल्टीप्लायर हमें थर्ड स्ट्राइप क्या दिया हुआ है आपको, ब्लू दिया हुआ है। तो ब्लू किस, देखो मल्टीप्लायर कितना है, ब्लू 10 की पावर 6, मल्टीप्लाई में 10 की पावर 6, ठीक है मल्टीप्लाई लगाओ यहाँ, मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू द पावर 6। अब यहाँ पर टॉलरेंस बताता है हमें कौन सा, ये कौन सा हो गया, ब्लू हो गया, और ये हमें फोर्थ स्ट्राइप जो सिल्वर है आपका, वो बताता है टॉलरेंस। तो सिल्वर में कितना एक्यूरेसी, कितने एरर कितना है, 10% है, ठीक है टॉलरेंस बोलेंगे हम, टॉलरेंस कितना है 10%। तो जो टॉलरेंस होता है वो हम प्लस माइनस लिखते हैं, ठीक है वो प्लस में भी हो सकता है नेगेटिव में भी हो सकता है, तो प्लस माइनस कितना 10%, ठीक है ऐसे। तो इसका यहाँ पर 10^6 के बाद आप ओम लिखोगे ऐसे, ओम, ठीक है। तो मतलब कि रेजिस्टेंस इतना हो गया 32 × 10^6 ओम, और जो आपका प्लस माइनस कितना है 10% विद टॉलरेंस, ठीक है। तो ये हो गया आपका कलर कोडिंग आंसर, ठीक है इसका आप ऐसे निकालोगे। समझ में आया, कैसे करेंगे, समझ में आया, तो इसे कैसे करेंगे, एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं इसके बाद। अब मान के चलो आपको यहाँ पर दिया हुआ है ब्लैक, यहाँ दिया हुआ है आपके पास वाइट, यहाँ पर दिया हुआ है आपके पास ग्रीन, और यहाँ पर दिया हुआ आपके पास फोर्थ जो आपका वो है कौन सा, नो कलर, जिसमें कोई भी कलर नहीं है। मतलब पहले वाले पे कौन सा कलर है, पहले स्ट्राइप पे कौन सा है, ब्लैक कलर है, सेकंड स्ट्राइप पे वाइट कलर है, और थर्ड स्ट्राइप पे ग्रीन कलर है, और फोर्थ स्ट्राइप पे कोई भी कलर नहीं है। तो आप कैसे पहचानोगे उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो हम कलर कोडिंग से पहचानेंगे। तो ब्लैक के लिए हमारे पास फर्स्ट दो जो होते हैं, फर्स्ट दो स्ट्राइप जो होते हैं वो क्या बताते हैं, हमें नंबर बताते हैं। तो ब्लैक के लिए नंबर देखो, ब्लैक के लिए 0 है, 0। सेकंड स्ट्राइप भी नंबर बताता है वाइट, वाइट कहाँ है, वाइट कहाँ है, वाइट ये रहा 9, 0, 9, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में मल्टीप्लायर लगाओगे, थर्ड वाला क्या बताता है, मल्टीप्लायर ग्रीन, ग्रीन का आपका यहाँ मल्टीप्लायर देखना है आपको 10^5, ठीक है, ओम, ओम लगा दो, ये रेजिस्टेंस हो गया। मतलब 0.9 × 10^5 ओम रेजिस्टेंस हो गया, और टॉलरेंस कितना होगा इसके अंदर, कितना एरर हो सकता है, कितना चेंज वेरी कितना हो सकता है इसके अंदर रेजिस्टेंस में, तो वो हो सकता है कितना, नो कलर, मतलब कि 20%। अगर फोर्थ स्ट्राइप नो कलर है मतलब कि विद 20% एरर इसके अंदर होगा, ठीक है 20% टॉलरेंस होगा इसके अंदर, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम कलर कोडिंग करते हैं, समझ में आया, आसान है ना। अच्छा अब देखो आपको क्या करना है, ये तो इजी है, नंबर 0 से लेकर के 9 तक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मल्टीप्लायर भी इजी है, 10 की पावर में सब में करना है, 0 यहाँ भी 0, यहाँ 1 है तो 1, 2 है 2, ठीक है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है 10 की पावर में कर दो आप। यहाँ पर जो आपका फोर्थ स्ट्राइक में उसमें सिर्फ 3 कलर होंगे, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर, ये तो याद रहेगा, जिसमें 5, 10, 20, ठीक है डबल होता जाता है 5, फिर 10, फिर 20, ठीक है इतना याद रखोगे। बात आती है इन कलर को याद कैसे करोगे, सीक्वेंस से, सीक्वेंस से कैसे याद करोगे, तो यहाँ पर ये कोड लिखा हुआ है मैंने, कोड, ठीक है। हम कोई कोडवर्ड में बात करते हैं तो कोई छोटी छोटी स्मॉल कुछ कुछ चीज़ें बना लेते हैं ना जिससे हमें वो याद रहे, तो वैसे ये कोड है इसको याद करने के लिए, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ठीक है मैं यहाँ लिख देता हूँ, बीबी रॉय ग्रेट, ये आपको बुक में भी दिया हुआ है, इसके 2-3 और हैं जो आपके बुक में दे रखे हैं, तो जो सबसे इजी है मैं वो लिख रहा हूँ, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो यहाँ पर देखो ये याद रखना इस सेंटेंस को, बीबी रॉय मतलब बीबी, मतलब यहाँ पर फर्स्ट सेकंड ब्लैक और ब्राउन होंगे, ठीक है याद रखना, ब्लैक ब्राउन, बीबी रॉय
आर से क्या होगा, रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रीन, फिर बी से ब्लू, फिर वी से वायलेट, फिर जी से ग्रे और फिर डब्ल्यू से वाइट। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया कि नहीं आया बताओ, बताओ। आपको इन दोनों को याद रखना पड़ेगा, ये तो राकेश हो गए, ब्लैक ब्राउन। ठीक है, पहले वाला बी ब्लैक है, दूसरे वाला बी ब्राउन है, और ये वाला कौन सा है, ब्लू है। ठीक है, इसमें जी डबल रिपीट हो रहे हैं, तो इसमें पहला वाला जी कौन सा होगा आपका, ग्रीन होगा, फिर ग्रे होगा, ग्रीन ग्रे। ठीक है, मतलब इतना तो याद रख सकते हो, है ना, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायलेट ग्रे एंड वाइट। ठीक है, और बाकी के ये तीन जो अलग हैं, इसमें जिसमें टॉलरेंस होता है, इसमें फर्स्ट गोल्ड होगा फिर सिल्वर, याद रखना है, पहले गोल्ड आएगा फिर सिल्वर आएगा। ठीक है, पहले गोल्ड आएगा फिर सिल्वर फिर नो कलर। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया, तो समझ में आ गया कलर कोडिंग क्यों करते हैं, क्योंकि हम इसको कलर कोडिंग से हम पहचान पाते हैं कि वो रजिस्टर जो है कितने रेजिस्टेंस, कितना रेजिस्टेंस है उसके अंदर। ठीक है, वो कितना एक्यूरेसी है, कितना टॉलरेंस है उसमें, कितने ओम का रजिस्टर है, वो हम उसको कलर देख करके पहचानते हैं। ठीक है, उसमें कोई वैल्यू नहीं लिखी होती कि इतने ओम का है, ऐसे नहीं होता, उसमें हम कलर देख करके पहचानते हैं। स्टूडेंट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर आपको फर्स्ट स्ट्राइप दी हुई है, फर्स्ट स्ट्राइप दी हुई कौन सी, रेड, फिर दी हुई ग्रीन, फिर दी हुई ऑरेंज, ये वाली रेड है और ये वाली आपकी ग्रीन है और ये वाली आपकी ऑरेंज है और ये वाली कौन सी है, गोल्ड है। ठीक है, तो हम यहाँ कर लेते हैं जल्दी से, इसको लिख लेना। ठीक है, साइड में मैं लिख दूंगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन। तो रेड के लिए देखेंगे यहाँ पर 2 और ग्रीन के लिए भी नंबर देखेंगे हम 5। ठीक है, हो गया, अब मल्टीप्लाई लगाएंगे, थर्ड वाले के लिए मल्टीप्लायर देखेंगे। थर्ड वाला क्या है हमारे पास, ऑरेंज है, थर्ड वाला ऑरेंज, ऑरेंज देखो, ऑरेंज, ऑरेंज में मल्टीप्लायर देखेंगे कितना, 10^10 कितना है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है और ये इसका है, 10^3। ठीक है, अब फोर्थ वाला क्या देखेंगे, यहाँ पर ओम लगा दो। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस हो गया, अब टॉलरेंस लिखेंगे प्लस माइनस कितना, प्लस माइनस कितना स्टूडेंट्स, गोल्ड के लिए देखो 5%। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अच्छा इसको नोट करो, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है, 27 × 10^4 ओम प्लस माइनस 10%। अब आपसे आपको ये दिया होगा, रेजिस्टेंस दिया होगा, अब आपसे पूछा हुआ है, आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है, अब आपसे पूछेगा राइट कलर्स। ठीक है, आपको कलर्स लिखने हैं, पहले कलर्स दिए हुए थे, रेजिस्टेंस निकाला था, अब रेजिस्टेंस दिया हुआ है, कलर लिखने हैं। तो आपको फर्स्ट और सेकंड क्या बताता है, नंबर के बारे में बताता है। तो सेकंड में देखो, सेकंड में क्या है आपका, यहाँ पर रेड है। ठीक है, याद रखना, सेकंड में ब्राउन मत कर देना, क्योंकि 0 से शुरू होता है। तो सेकंड में क्या है आपका, रेड। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्ट्राइप जो होगी वो क्या होगी आपकी, रेड होगी। ठीक है, फिर इसके बाद सेवन देखो, नंबर सेवन नंबर बताएगा क्या है आपका, वायलेट। कितना है आपका, वायलेट। ओके, अब इसके बाद मल्टीप्लायर 10^4, 10^4 देखो, तो ये 10^4 ये येल्लो। ठीक है, येल्लो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दोनों क्या बता रहे हैं हमें, नंबर, ऐसे लिख लो ना, ये क्या बता रहा है आपको, मल्टीप्लायर। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो 10% में क्या होता है, सिल्वर होता है, तो यहाँ लिखोगे सिल्वर। ठीक है, ये क्या बताता है हमें, टॉलरेंस बताता है। ठीक है, समझ में आ गया ना कैसे करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम कलर कोडिंग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में यहीं तक है, अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाकर सब्सक्राइब कर लो। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।